दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट। आज बास मोहल्ला महेंद्रगढ़ स्थित बास मोहल्ला वार्ड नंबर 13 के कुछ लोगों ने शिकायत एएसपी सिद्धांत जैन के ऑफिस में शिकायत देने के लिए आए और उन्होंने राजबाला सुरेंद्र छोटन जैकी मनु अमन विशाल चंद्रभान आदि और 5-7 आदमियों के खिलाफ शिकायत दी है कि एक इन्होंने गिरोह बनाया हुआ है तथा चंद्रभान और उसकी पत्नी राजबाला अपने रिहायशी मकान में शराब सुल्फा गांजा वगैरह बेचने का अवैध कार्य कर रहे हैं। आरोपी छोटन वगैरह की देखरेख में करते हैं और गुंडागर्दी व आवारागर्दी करते हैं तथा शराब सुल्फा आदि का सेवन कर मोहल्ला में गलियों में गंदी गंदी गालियां निकालते हुए घूमते हैं तथा हमारे मोहल्ला के बच्चों को सुल्फा गांजा शराब पिलाते हैं तथा सुल्फा गांजा लेने के लिए शहर के लोग इनके पास आते हैं तथा उड़दंगबाजी करते हैं, जिससे हमारा जीवन यापन बड़ा मुश्किल हो गया है तथा हमारी बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हमारे बच्चों का इस पर बुरा असर पड़ रहा है। जो कि भी व्यक्ति ऐसा करने से मना करता है उसे उसकी मार पिटाई करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। मोहल्ला वासियों ने इनके खिलाफ अनेक बार शिकायतें भी दी हैं लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और उन्होंने विनती की है कि उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जाए और आरोपियों के अवैध कार्य सुल्फा गांजा जो अवैध बेचते हैं उनके ऊपर पाबंद लगाई जाए और इनको मोहल्ले से निष्कासित किया जाए ताकि मोहल्ला अमन शांति से जिसके। हाँ जी, आज आप एएसपी कार्यालय के बाहर खड़े हैं, किस मामले को लेकर आए हैं थोड़ा बताएं। बोलो। सर बात ये है कि हम बास मोहल्ले वार्ड नंबर 13 से हैं। हमारे पास हमारे घर के पास में चंद्रभान गुवारिया का मकान है जी। हाँ जी, ठीक है। उसका लड़का और उसके मकान के अंदर किराएदार रहता है छोटन और उसका लड़का सुरेंद्र, ठीक है। और उसके जितने भी दोस्त हैं सुरेंद्र के, वे सारे के सारे वहाँ आ जाते हैं, गांजे का काम करते हैं, दारू का काम करते हैं, सट्टे का काम करते हैं और सबको है ना भाड़ बेटी गाड़ी बकते हैं और छोटे छोटे बच्चों को है ना उन्होंने गांजे की लत में लगा रखा है, ठीक है। मैं खुद पर्सनली इनकी काफ़ी कंप्लेंट दे चुका हूँ लेकिन छोटे लेवल पे कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है उनकी। पूरा मोहल्ला परेशान है जी, पूरा मोहल्ला। कभी किसी के साथ घर में घुस के मारते हैं, कभी किसी को घर में घुस के मारते हैं, एक एक करके है ना मोहल्ले के सभी घरों के साथ उन्होंने झगड़ा किया हुआ है और जितने भी भाड़ बेटी है सबको गंदी गंदी गाड़ियाँ बकते हैं और गांजे का काम करते हैं। हमारी अधिकारी से ये रिक्वेस्ट है कि इस गांजे के काम को और मोहल्ले में जो ये लोग बाग लंगवाड़पण कर रहे हैं, जो गंदा काम कर रहे हैं, इनसे निजात मिले पूरे मोहल्ले को। पूरा मोहल्ला परेशान है। आज हम सारे मोहल्लेवासी मिल के उनके खिलाफ दरखास्त देने आए हैं कि मोहल्ले में ये जो काम है ये बंद किया जाए। क्या नाम है आपका थोड़ा नाम? मेरा नाम मुकेश रोहिला है। कौन सा मोहल्ला बताया? मैं उनके पास में ही रहता हूँ, ठीक है। सिलाई का काम करता हूँ मैं, टेलरिंग का काम करता हूँ, उनके घर के पास ही है। जितने भी हम लोग आए हैं उनके घर के पास ही रहते हैं। सारा मोहल्ला परेशान है जी, पूरा मोहल्ला परेशान है। कल इन अंकल के घर में घुस के इनके साथ। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा उसका नाम है सर मेरा। और हाँ जी सर, घर में छोटा मोटा झगड़ा हो गया था, उसको लेकर के मैं छोड़ करके मैं लड़के की मकान पे चला गया, वहाँ बिजली फिटिंग का काम कर रहा था। सर दोपहर में 1 बजे खाना खाने आया तो ये 7-8 लड़के जो लाठी लेकर के मेरे घर में बढ़ गए। मेरी पुत्रवधू थी और मेरी घरवाली थी और हमें मारने पीटने लग गए। उस पर मैंने जो है 27 तारीख को जो है कंप्लेंट डाली थी पुलिस की। आज तक जो उस मामले को कोई कार्रवाई नहीं की है। जो मेरी पुत्रवधू के साथ में छेड़छाड़ की है ने, मेरी घरवाली के साथ में भी ने काल पाड़ सुरेंद्र है और सर उसके साथ के वाले जो लड़के हैं जो गुंडा टाइप के हैं, ये सुल्फा गांजा भांग धतूरा सारा काम करते हैं, ये सट्टा खाए वाले का भी काम करते हैं, अवैध काम जितनी होते हैं सब अवैध काम ये करते हैं शहर में। इस प्रकार के अवैध काम करते हैं जैसे सुल्फा है, गांजा है, शराब है और
ये सारे ही धंधे करते हैं, वीडियो बनी हुई है और हम इनसे बहुत परेशान हैं। बार बार ये जो हमारे घर में जो लठ लेके आते हैं, जिसकी हमारे पास फुटेज भी है। हाँ जी, क्या फुटेज है हमारे पास? है जी, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें लठ ले गए, पाँच छः लड़के आ रहे हैं और लठ ले गए, पाँच छः लड़के लठ लेके आ रहे हैं। और हमारे घर के पीछे की तरफ एक और घर है, उसके ऊपर चढ़ के वो हमारे ऊपर की वाली छत के ऊपर चढ़ गए। हाँ जी भाई, आप भी बताएं, आप कैसे परेशान? बता रहे, रात दिन हमने परेशान करे, दिन में तो शराब दारू चले, मीठ मच्छी चले, रात को बड़दंग बजा देंगे, ऊपर छतों में चढ़े। आज हमने पाँच छः दिन हो गए, हमारी कोई कार्रवाई ना हो रही। हाँ जी भाई, क्या नाम आपका? गुंडे बुला लेते हैं हमारे। क्या नाम आपका? मेरे झोमरी। अच्छा, क्या समस्या है आपको? समस्या रोजीना तो सर गुंडागर्दी करे से, रात को मारे से, दिन में दारू पानी पीवे, कान पाट रखे, कान पाट रखे, कान दिखाने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। क्या नाम है, क्या आपको क्या समस्या है, क्यों मारते हैं? जी मारपीट करते बेर पता नहीं कैसे एडमिट रही, पुलिस बयान के लिए भी कान फाट दिया है। हां देखो, अच्छा दे एडमिट रही थी। देखिए, अच्छा जी, कौन भी फाड़ दिया? हाँ, ये छेड़छाड़ गलत हरकत करते हैं। घर में कोई भी नहीं था, घर घर के कर बाहर के आदमी बुला लेते हैं, बाहर के आदमी बुला लेते हैं और बाहर से और बदमाश आते हैं। घर घर से हम शेल्टर ले आए, फिर रात ने जब हम पूरे मोहल्लों पे वो करी मैं आप आओ, सारे ही परेशान। रात को भी झगड़ा हुआ, रात को 2 बजे झगड़ा किया, रात को इनकी छत के ऊपर चढ़ गए, रात को इनकी ईंट लगी थी रात ने, ऊपर तो ठक ने तुम्हारा ऊपर तो ठक सी सी मोटी ईंट लगी मारी बुड्ढी के। आप तो घर में ईंट मार रहे थे? ईंट लड़ाई में भागा दौड़ और थी जी ऊपर तो मारा था, हाथ पचड़ गई किसी को लगी भी? हाँ लगी थी, 2-3 अंक मारा तो अब बहुत नीची होगी। अरे छोटा होना तो आए जा पाड़ो चीज ईट लगी बापड़ा। बहू को क्यों मार रहा था? गंदा बोला जी, गाली काट ईसो गंदो बोला, समूह मावा इतना ही बोला। एक परिवार के जी? हाँ, एक ही परिवार का सही हो मारते वर्ष है। लड़का साथी देखो मार पिटाई हो जाए, जब छुटवा को उनके घर में है, जब छुटवा तू जाओ छुटवा आ बात पर मार रोड़ा कर मार साथ और से काकसरा को बैठ सुन देना बार रात लड़ ले लिया सारी रात देलो 4 बजे तक हम नहीं इन आखी तड़का करया सब वो बंदूक वगैरह दिखा, वो छोटा ना वो बंदूक दिखावे ठीक है, नु कच कच नाम वो छोरा वो भी ना क्या बंदूक दिखा रहा है? हां हां, रिवॉल्वर क्या कर रहा है? नु बोले मारूंगा गली में सड़न कोई नहीं, नु कसम मारूंगा, नु कहे ठीक है मेरा आदमी खातिर भी नु कहा, नु बोले न मारूंगा पहले। आपका आदमी क्या नाम है? रेनंदी। अच्छा, उनको मारने के लिए बोले? हाँ, आपको कहा बंदूक से मारने के लिए? जी मेरे को कहा था उन्होंने, एक बार क्या कहा बंदूक से मारो? हाँ जी बोले, तेरे तो 6 की 6 गोली उतारेंगे। क्या उसके पास हथियार भी देखे गए? मैंने देखा तो नहीं, बोल रहे थे मुजवान ने। अरे एक जिम्मे तो सही हो, इसका पैर तोड़ूंगो, अरे एक छोर और सो उसका पैर तोड़ूंगा। परेशान कर रखा है? हाँ, बहुत परेशान कर रखा है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने हमें अच्छी तरह से परेशान करके रख रखा है जी। बेटी तो की मकरण दे लड़ाई चाचा बच्चे जा की छुटवा तो बीच में मर गया। ईट लगी सिर मारा तो खेल जाती।